हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय केक रिएडिक्शन। सो आज हम बनाएंगे ओरियो बिस्किट से ब्राउनी। ओरियो बिस्किट से ब्राउनी बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिया है एक पैकेट ओरियो बिस्किट्स का, और ये कुछ 8 to 10 स्लाइस आलमंड्स हैं, और 1/4 टीस्पून सोडा, मैदा, 2 टेबलस्पून शुगर, 2 टेबलस्पून बटर, और 1/2 कप हमने मिल्क लिया है। सबसे पहले हम ग्राइंडर जार में अपनी शुगर को डालेंगे। शुगर मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून लिया है और इसको हम ग्राइंड करेंगे। सो मेरे पास शुगर पाउडर नहीं था, इसलिए मैंने इसको ऐसे ग्राइंड किया है होल शुगर को, और ये मेरे ग्राइंडर से ठंडी ठंडी हवाएं निकल रही है। ठीक है, सो अब हम इसमें ओरियो बिस्किट्स डालेंगे। ओरियो बिस्किट्स डाल के हम इसको ग्राइंड करेंगे। ग्राइंड कैसे करेंगे, हम इसको पल्स मोड पे ग्राइंड करेंगे। अगर आपके मिक्सर में पल्स मोड नहीं, तो आप मिक्सी को ऑन ऑफ कर सकते हो। यहाँ पे मेरे पास ये ब्राउनी टिन है। ब्राउनी टिन को मैं बटर से ग्रीस कर रहा हूँ। सबसे पहले बटर से ग्रीस करने के बाद मैं इसके ऊपर मैदा डस्ट करूँगा। इन दोनों प्रोसेस को ग्रीजिंग एंड डस्टिंग कहते हैं बेकिंग लैंग्वेज में। सो डस्टिंग कैसे करनी है, मैदा डाल के आपको हर एक कॉर्नर पे उसको इसे स्प्रेड करना है, टैप करके केक टिन को। जो एक्स्ट्रा मैदा है आप इसको बोल में निकाल दो, और ये कौन से भी टाइम पे आप यूज़ कर सकते हो, कभी भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक बोल में ये ओरियो पाउडर निकाल दिया है। और अब इसको बैटर बनाने से पहले सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि हमारा अवन जो है उसको प्रीहीट करना है। यहाँ पे मैं अवन को प्रीहीट कर रहा हूँ 150 डिग्री सेल्सियस पे। अगर आपको अवन प्रीहीट करना सीखना है, तो आप मेरे हाउ टू यूज़ माइक्रोवेव अवन को देखोगे, तो आप वीडियो को देखोगे तो आप समझ जाओगे। तो यहाँ पे मैंने 1.5 टेबलस्पून बटर डाला है, और यहाँ पे मैं 1/2 कप दूध ही पूरा डालूंगा, बट स्टिल आई एड इट ग्रेजुअली, धीरे धीरे करके डालूंगा, क्योंकि कभी कभी ओरियो बिस्किट्स जो हैं वो डिपेंड करता है, कभी ज़्यादा भी एब्जॉर्ब करते हैं दूध को या लिक्विड को, कभी कम भी एब्जॉर्ब करते हैं। बट ये 1/2 कप तो अप्रॉक्सीमेटली जाता ही है। सो यहाँ पे मैंने ये 1/2 कप पूरा डाल दिया है। जैसे मैंने इसको डाल दिया है, अब मैं इसमें सोडा डालूंगा। सोडा, बेकिंग पाउडर जब भी आप अपने केक बैटर्स में डालो, तो ये ध्यान रखो कि वो एकदम लास्ट में डाल रहे हो, और उसके पहले आपका जो हीटिंग एलिमेंट है, जो जैसे अवन हुआ, कुकर हुआ, वो सब रेडी होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं इस केक टिन में ये ब्राउनी बैटर को डाल दूंगा पूरा, और इसको मैं एक दो बारी टैप कर लूँगा, जो कि इसके अंदर एक्सेसिव एयर होगी वो पूरी निकल जाएगी। ठीक है, और अब मैं इसके ऊपर जो आलमंड्स हैं हमारे स्लाइस्ड आलमंड्स, वो सब स्प्रिंकल करूँगा। और इनको आप अपने फिंगर्स के बैक साइड से भी अंदर टैप करके प्रेस कर सकते हो, क्योंकि बैटर से स्टिक हो जाएंगे प्रॉपरली। और एल्स जैसे मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे जो मेरा सिलिकॉन का स्पैचुला है उससे मैं इसको टैप करके स्टिक कर रहा हूँ। जैसे कि ये ओरियो ब्राउनी है, तो ओरियो ब्राउनी है तो ओरियो के पीसीस तो जाएंगे ही। यहाँ पे मैंने एक ओरियो बिस्किट लिया है, और इसको मैं तो हाथ से ही तोड़ के डाल रहा हूँ। मेक श्योर आप हाथ से ही तोड़ रहे हो, अगर आप इसको नाइफ से काटने जाओगे ना, ये कभी भी इवन नहीं कटता है। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने ओरियो बिस्किट्स के रखे हैं पीसेज इसमें, और इसको अब मैं बेक करूँगा 30 मिनट्स के लिए। 30 मिनट्स के लिए बेक करेंगे, बट आप इसको एक बारी चेक कर लोगे 15 मिनट्स के बाद। सो यहाँ पे मैंने 11th मिनट पे चेक किया है। ठीक है, इसको हम देखेंगे कि ये कितना हुआ है। अगर ये जेली के जैसे बाउंस कर रहा है तो ये नहीं हुआ है, अगर जेली के जैसे बाउंस नहीं कर रहा है तो हो गया। सेकेंड टेस्ट ऐसे करते हैं, आप नाइफ डालो बीचों बीच, तो ये आपका क्लीन निकलना चाहिए। आई लेट इट रेस्ट इन दिस टिन ओनली। अब मैं इसको टिन में ही ठंडा होने दूंगा, और उसको बाद मैं इसको देखो ऐसे डीमोल्ड करूंगा। एक बार हर एक साइड से नाइफ को घुमा दो, और एक प्लेट के ऊपर टर्न कर दो अपसाइड डाउन अपने टिन को, और उसको टैप करते रहो जब तक आपको ब्राउनी बाहर नहीं आए। ठीक है, ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है अपना ब्राउनी, इजंट इट लुकिंग टेम्प्टिंग। सो इस ब्राउनी को अभी आप ऐसे भी सर्व कर सकते हो, बट यहाँ पे मेरे पास चॉकलेट गनाश है, तो ये चॉकलेट गनाश को मैं रैंडमली कैसे भी डाल दूंगा। सो ये कैसे है, चेरी ऑन द टॉप, बहुत अच्छा लगता है ये ऐसे ब्राउनी चॉकलेट गनाश के साथ। सो यहाँ पे मैंने इस कुछ सिल्वर बॉल्स हैं उनको स्प्रिंकल किया। आपके पास जो स्प्रिंकलर्स हो आप वो यूज़ कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।